बात करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओसी सभी में काफ़ी तेजी दिखाई दे रही है, टॉप गेनर्स है निफ्टी पीएसयू इंडेक्स से। नितिलेश जी, आपकी राय लेना चाहूंगी पीएसयू स्टॉक्स पर और पर्टिकुलरली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर, आपकी क्या राय बनती है? देखो, मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो एक मोमेंटम के साथ चल रहा है, तो जब तक वो बड़े लेवल्स का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक आप अपने लॉन्ग को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो होगा वो कुछ चुनिंदा स्टॉक में ही देखने को मिलेगा। और बैंकिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा मैं हटके अभी कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक पर्सनल डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि आज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने मेरा पर्सनल बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किया अभी 2 मिनट पहले। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो मुझे दो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। पहला जो है वो बंधन बैंक का है, 188-190 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको अगर ये निकालता है तो यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की साइड में हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हम लोग देखेंगे तो 265 से लेके 270 एक इम्पोर्टेंट रेंज है। अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरे दो पिक है, एक है बैंक ऑफ बड़ौदा और मुझे अच्छा लग रहा है कि बंधन बैंक। ठीक है, तो ये राय थी बैंकिंग स्टॉक्स पर। पीएसयू स्टॉक्स में तो काफ़ी तेज़ी दिखी है, लेकिन नितिलेश जी ने दो स्टॉक्स पर अपनी राय दी है, खरीदारी की राय। मोमेंटम काफ़ी अच्छा है बैंक ऑफ बड़ौदा और बंधन बैंक। जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा और ज़रा गौर कीजिए सुजलॉन एनर्जी पे। और हमने कल भी देखा था कि तेज़ी यहाँ पर नज़र आई थी, आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी, लगभग 4.5% की तेज़ी हम इस वक्त देखते देखते हमें नज़र आ रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी ये स्टॉक वोलेटाइल मार्केट में लगभग 12% का रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर हम पिछले 1 महीने में देखें तो थोड़ा सा जो है वो एक संतुलित इसका प्रदर्शन रहा है, लगभग 14% तक का रिटर्न यहाँ पर नज़र आया है। सुजलॉन एनर्जी और इसमें थोड़ा मैं जोड़ देता हूँ SJVN को भी, इन दोनों पर राय दीजिए। सुजलॉन का एक अच्छा सा ट्रेंड बन चुका है। इनफैक्ट ये रैली शुरू हुई है दोबारा, जो मोमेंटम रैली है वो 41 लेवल्स के लेवल से है, तो वन वे तो थोड़ा रिट्रेसमेंट जरूर आ सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। इन ऑल लाइकलीहुड वो प्रीवियस हाई 50-51 लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है, तो आई थिंक इसमें बने रहना चाहिए और 40 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरी बात करें SJVN की, तो SJVN ऑल्सो इट्स डूइंग वेरी वेल, स्टॉक में काफी तेजी दिख रही है और ग्रेजुअली अपवर्ड हायर हाइज बना रहा है, सो आई थिंक इवन नियर टर्म के लिए अगर देखें तो 143 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है। मोमेंटम ये क्रॉस करता है 150-152 को, तो आई थिंक ये 160 के लिए तैयार है। SJVN पर ये राय 151-152 क्रॉस कर सकता है, और अगर वो क्रॉस करेगा तो 160 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। और सुजलॉन एनर्जी में भी पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। ये राय थी दोनों ही स्टॉक्स पर। कुछ मेटल स्टॉक्स की बात करते हैं, उसमें हिंदुस्तान जिंक। याद रखें पिछले 1 महीने में करीब 90% का गेंस दिखे हैं, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर तो है ही, उसी के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स में टॉप लूजर हिंदुस्तान जिंक है। करीब 6% की गिरावट हिंदुस्तान जिंक पर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। एक टेक्निकल राय ले लेते हैं, ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस चढ़ रहे थे जिसके चलते मेटल प्राइसेस में तेजी दिखी, लेकिन अब टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है हिंदुस्तान जिंक पर? वैशाली जी, हिंदुस्तान जिंक के चार्ट से क्या निकल कर आ रहा है, और अगर किसी व्यूअर के पास हिंदुस्तान जिंक है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए टेक्निकली आप देखेंगे तो 280-290 लेवल से एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, एक अच्छा सा लंबा कंसोलिडेशन के बाद, और राइट फ्रॉम 292 हमने देखा है दैट 800 के हाइट तक ये जा चुका है। मेरे हिसाब से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर कर लेनी चाहिए, और या तो इनफैक्ट फुली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे 710 का। अगर ये 700 लेवल्स क्रॉस तोड़ता है तो फिर फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, सो आई वुड से पार्शियल प्रॉफिट में कोई हर्ज नहीं है। उसको भी ज़रा अपने रडार पर लेकर आते हैं। और आज की तेज़ी एक बार फिर रेलवे स्टॉक्स में चौंकाती भी है और एक नई रणनीति के लिए भी हमें आगे ले जाती है। RVNL देखिए, आज 8% लगभग ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है। इसके अलावा IRFC देखिए, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि
अच्छी खासी तेजी, 6.5% की तेजी हमें नजर आ रही है। कॉनकॉर, राइट्स, रेलटेल, यहां पर भी तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। नितेश, रेलवे शेयरों पे क्या नजरिया होगा आपका? लगभग सभी नाम मैंने आपके सामने रखे। जी डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इसके पहले भी मैंने एक शो किया था, वहां पे भी मैंने बोला था कि जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे आप लॉन्ग करके चल सकते हो। तो अभी के लिए आपको एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो प्रीवियस डे का लो है उसका आपको स्टॉप लॉस करके पोजिशन को ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम तेजी से बढ़ रहा है। ऊपर की लेवल पे फ्रेश बाइंग में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजिशन है वो पोजिशन को क्या कर सकते हैं, होल्ड करके चल सकते हैं। अभी यहाँ से एक मोमेंटम और खींच सकता है, कल भी रैली कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, हायर लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये नजरिया जो बाकी रेलवे स्टॉक्स हैं उन पर नजर आता हुआ। चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी अपने फोकस में लाते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि कॉनकॉर ज़रा सामने लाते हैं। कॉनकॉर पे कल भी हमने चर्चा की थी, एक बार फिर इस पे रिव्यू लेते हैं। कॉनकॉर में एक बार फिर तेज़ी का मोमेंटम बनता हुआ। वैशाली जी, कॉनकॉर कैसा लग रहा है आपको यहाँ से? न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम जरूर बन सकता है यहाँ से, सो 1070 के स्टॉप लॉस के साथ इसको जरूर कंसिडर किया जा सकता है। आई थिंक फर्स्ट टारगेट रहेगा 1150, और ये अगर मोमेंटम बना रहा तो 1200 की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो ये राय थी कॉनकॉर पर। हमने रेलवे स्टॉक्स की बात की, तो उसी के साथ डिफेंस स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। शानदार तेजी डिफेंस स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करते हैं, करीब 18% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में ही दिखाई दे रही है। कंपनी के नतीजे आए थे, चौथी तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यूज में 70% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मुनाफा डबल हुआ, मार्जिन्स भी एक्सपेंड हुए, तो काफ़ी अच्छे नतीजे थे, जिसके चलते गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में आज करीब 18% की तेजी दिखाई दे रही है। इसी के अलावा डिफेंस स्पेस से कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो मैसगांव डॉक शिप बिल्डर्स 7% ऊपर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। कोचिन शिपयार्ड में भी करीब 12% की तेजी है। तो कई सारे डिफेंस स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेडिंग सेशन में नतीजों और बाकी कारणों के दम पर फोकस में है। इसी पर राय ले लेते हैं। नितिलेश जी, डिफेंस स्टॉक्स पर क्या राय बनती है? मैसगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच, तीनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय दे। देखिए, स्टॉक में मोमेंटम जो है वो बिल्कुल बना रहेगा, तो यहाँ पे बस आपको ट्रेलिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ ही चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मसगांव डॉग में एक साइकोलॉजिकल नंबर जो था 3000 का, उस 3000 के लेवल के ऊपर अभी वो सस्टेन कर रहा है। जब तक ये 3000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक अपने लॉन्ग्स को क्या करे, होल्ड करे। लेकिन 3000 के नीचे अगर ये आता है तो यहाँ से एक बार के लिए फिर से डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, लोअर लेवल के ऊपर जब भी इसमें गिरावट आती है तो वहां पे बाइंग करने की कोशिश करें। बेस्ट बाइंग जो लेवल होगा वो 2200 से लेके 2500, ये लेवल आपके लिए मसगांव डॉक में हो सकते हैं। और दूसरा जो काउंटर मुझे आपने पूछा थोड़ी देर पहले गार्डन रीच का, तो वहां पे भी एक मोमेंटम स्ट्रेच हो चुका है और 90 डिग्री में स्टॉक अभी ये ऊपर जा रहा है। तो जब तक स्टॉक पुल ऑफ नहीं होता है तब तक इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात करेंगे तो मसगांव डॉक का अच्छा है और लोअर लेवल के ऊपर हम लोग वहां पे बाइंग करके चल सकते। ठीक है, तो ये राय थी डिफेंस स्टॉक्स पर। बाय ऑन डिप्स की सलाह हमारे गेस्ट से आपके लिए आ रही है।